मैम, जिस तरीके से आपका डेब्यू हुआ और उसके बाद जैसी परफॉर्मेंस चल रही है, कितना आप अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं अपनी अब तक की तमाम कारकर्दगी से? जी, जाहिर सी बात है कि जब भी एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है वो क्रिकेट में चलती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो सब चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। हार्डवर्क किया हुआ है और उसमें काफ़ी क्रेडिट जाता है मेरे कोचेज़ को और NCA स्टाफ को जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया और मेरे पे इन्वेस्ट किया। तो इंशाल्लाह इट्स माय टाइम टू डिलीवर, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें फेलियर्स भी आते हैं क्रिकेट की लाइफ में, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कैसे लेते हो, आप उसको कैसे मेंटली लेते हो। तो अभी सो फार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ अपनी फॉर्म से और कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी गलतियों से जितनी जल्दी सीखूँ और परफॉर्मेंस ऐसी जारी रहे। मैम, जब आप टीम में पहली बार आपको शामिल किया गया था पाकिस्तान टीम में, तो बड़े लोगों ने क्वेश्चन भी करने की कोशिश की थी बिकॉज ऑफ योर अंकल। आप समझते कि आपकी परफॉर्मेंस ने उन तमाम क्रिटिक्स को जवाब दे दिया है जो आपकी जिस तरह आपका डेब्यू हुआ था? मेरे लिए इतना ये चीज़ मैटर नहीं करती कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग तो है, मुझे पता है कि अगर मैं अगली सीरीज़ में नहीं करूँगा तो वो फिर क्रिटिक्स में आ जाएंगे, तो मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोचता। मुझे अल्लाह पे बिलीव है, मुझे अपनी हार्डवर्क, अगर मेरा नाम आया था तो मैंने उसके पीछे 848 रन किए थे कायदे आज़म ट्रॉफी में 50 की एवरेज से, और उसके बाद पाकिस्तान ए में बैक टू बैक हंड्रेड्स किए थे, तो जिस वजह से नाम आया था। तो अगर उन्होंने तब भी क्रिटिक्स किया तो जब मैं नहीं करूँगा तब तो ज़ाहिर है करेंगे। तो खैर वो बड़े हैं, रिस्पेक्ट है उनकी मेरे लिए, अच्छी ज़ाहिर है उनका काम है क्रिटिक्स करना, तो मैं इससे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। कोशिश होती है कि इंशाल्लाह अपनी कोई परफॉर्मेंस ऐसी रखूं, और अगर क्रिटिक्स आए तो मेरे हाथ में मेरा बैट है, और मैं हमेशा कोशिश होती है कि इंशाल्लाह अपनी कोई परफॉर्मेंस ऐसी रखूं, और अगर क्रिटिक्स आए तो मेरे हाथ में मेरा बैट है, और मैं हमेशा कोशिश होती है कि अपने बैट से ही हमेशा क्रिटिक्स को जवाब। बट डू यू थिंक इट इज़ अ बिट अनफेयर टू यू इमाम, एडिड प्रेशर, और क्या आपको हमेशा इसी बात से जज करना कि आप इंजमाम के भांजे, इसी बात से आपको हमेशा जज करना और इसी बात से लिंक करना अगर आप परफॉर्म ना करेंगे तो भी यही बात बीच में आएगी, तो इसका एडिट प्रेशर है और थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है ये बार बार इसी बातों करना? अब इस पॉइंट पे आके मैं उसको बोल नहीं सकता कि फेयर है कि अनफेयर है, अब जो भी है यही आई हैव टू डील विद इट। तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि अब मेरी गलती तो नहीं है कि अगर वो मेरे चाचा जी हैं, तो अब बट जाहिर है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री में आप आई हैव टू फेस इट। तो मैं हमेशा इसको कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिव लूँ, और उसको अगर क्रिटिक्स करता है तो फिर मैं कोशिश होती है कि मैं, क्योंकि हाँ जाहिर ये है कि मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे एडिट प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल मीडिया का दौर है इतना ज़्यादा, तो ना चाहते हुए भी मेरा दिमाग चला जाता है वहाँ पर। तो लेकिन ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि इसको पॉजिटिव प्रेशर लूँ और अपनी, लेकिन इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ है कि मुझे जहाँ सब लोगों को 100% देना होता तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 200% को, बिकॉज मेरे लिए एक एडिड प्रेशर है और मुझे पता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा जो, अगर इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज, अगर मैं नहीं करूँगा तो जितने लोग नेगेटिव होते हैं मेरे लिए डबल नेगेटिव होते हैं, और अगर मैं परफॉर्मेंस देता हूँ तो मेरे लिए और भी ज़्यादा होता है। लेकिन कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिव लूँ और इस चीज़ को जहन में ना लूँ और अपनी हार्डवर्क पर बिलीव लूँ। शॉर्टर फॉर्मेट तो आपका बड़ा अच्छा रहा, लॉन्गर फॉर्मेट भी आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि टेस्ट में भी पाकिस्तान के लिए ऐसा ही रोल प्ले करें? जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में करूंगा तो मेरा जो, अगर इसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज, अगर मैं नहीं करूंगा तो जितने लोग नेगेटिव होते हैं मेरे लिए डबल नेगेटिव होते हैं, और अगर मैं परफॉर्मेंस देता हूँ तो मेरे लिए और भी ज़्यादा होता है। लेकिन कोशिश होती है कि मैं पॉजिटिव लूँ और इस चीज़ को जहन में ना लूँ और अपनी हार्डवर्क पर बिलीव लूँ। शॉर्टर फॉर्मेट तो आपका बड़ा अच्छा रहा, लॉन्गर फॉर्मेट भी आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि टेस्ट में भी पाकिस्तान के लिए ऐसा ही रोल प्ले करें? जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में अपनी जगह जो है और अपना नाम जो है इसको भी अपने आप को मनवाऊँ पाकिस्तान के लिए। तो उसमें जाहिर है कि इट्स नॉट ईजी टू प्ले थ्री फॉर्मेट्स फॉर पाकिस्तान, तो उसके लिए फिटनेस, उसके लिए आपको मेंटल हार्डवर्क सब कुछ चाहिए होता है, एंड द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर परफॉर्मेंस। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स। इमाम, आप यकीन इंजमाम भाई को देखते ही ग्रो अप किया होगा आपके तो चाचा, और उनको बहुत हद तक उनका भी इन्फ्लुएंस रहा होगा आपके कैरियर पर, आपके आपकी टेक्निक्स वगैरह पर इंटर में। आप अपने आप को लगता है, आप अपने आप को इस लाइक समझते हैं, इस काबिल समझते हैं कि आप फ्यूचर में वही रोल पाकिस्तान के प्ले कर सके जो एनजी भाई का था? इट वुड बी माय ड्रीम कि अगर मैं एनजी इंजमामुलक जैसा जो है मैं रोल पाकिस्तान के लिए बन सकूं, क्योंकि जितने मैचेस उन्होंने जितवाए हैं पाकिस्तान को, तो मेरे ख्याल से हर प्लेयर चाहेगा कि वो मैच विनर थे, एवरीबडी नोज दैट। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मैं जो भी फॉर्मेट खेलूँ पाकिस्तान के लिए और जो भी फॉर्मेट खेलूँ अपनी टीम के लिए, और कुछ ऐसा कुछ मेरे लिए शुरू से ये ड्रीम रहा है अब सिंस आई वाज 12 और 13 के, मैं कुछ ऐसा करूं पाकिस्तान के लिए जिससे मेरा कंट्री, मेरे पेरेंट्स और मैं सब कुछ प्राउड हो। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जिससे मेरा मुल्क जो है हमेशा उसका नाम रोशन हो। थैंक यू।